सीआईबी का एबीएम एडवांस बैंक मैनेजमेंट का क्वेश्चन सीरीज नंबर 1 है पहला। और यहाँ पे सीआईबी का भी एक बहुत बढ़िया मेगा ऑफर चल रहा है, जिसमें 80% डिस्काउंट है, आपको कोर्सेज मिल जाएंगी। ठीक है, पहला सवाल बोलता है सप्लाई रिमेन्स इन कॉन्स्टेंट इफ डिमांड प्राइसेस विल। बोलता है कि अगर सप्लाई जो है, सप्लाई क्या कर रहे हैं आप, सप्लाई को एज इट इज रख रहे हैं, कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो जो डिमांड होगा वो बढ़ गया, डिमांड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, उस केस में प्राइस क्या होगा। नेचुरल सी बात है, डिमांड अगर बढ़ गई है तो प्राइस क्या होगा, ये सवाल था। ए ऑप्शन है राइस, बी ऑप्शन है डिमेंस कॉन्स्टेंट, सी ऑप्शन है फ्लक्चुएट, डी ऑप्शन है फॉल। अगर क्या कर रहे, सप्लाई एज इट इज रखा है, डिमांड बढ़ गया, बट नेचुरल सी बात है डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, कि डिमांड बढ़ गया है, सप्लाई कम हो रहा है, या एज इट इज है, तो प्राइस नेचुरल सी बात है बढ़ेगी, राइज होगा। इसे कुछ बताने लायक तो था नहीं। ठीक है, समझ गया बात। क्वेश्चन 2, परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज सेट टू एग्जिस्ट इफ। परफेक्ट कॉम्पिटिशन कहाँ हो सकता है, समझिएगा बात, शब्द का क्या, कॉम्पिटिशन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन कहाँ हो सकता है, कहाँ एग्जिस्ट करेगा। ए ऑप्शन है देयर आर होमोजीनस प्रोडक्ट्स, अगर प्रोडक्ट होमोजीनस होंगी तो वहाँ हो सकता है। बी ऑप्शन है ईच फर्म इन द इंडस्ट्री एक्सेप्ट द मार्केट प्राइस बिकॉज इट हैज़ टू एक्सेप्ट इट। बोलता है हर एक फर्म जो होता है इंडस्ट्री में, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है मार्केट प्राइस, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है एक्सेप्ट करने के अलावा। ठीक है, सी ऑप्शन है प्राइस इज फिक्स्ड नॉट बाई ए फर्म। बोलता है प्राइस जो होता है फिक्स्ड किया जाता है, ना कि फर्म के द्वारा, यानी फर्म फिक्स नहीं करती है प्राइस को। ठीक है, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। सही ऑप्शन क्या होगा, ये आपको बताना है, सही ऑप्शन इसमें से क्या होगा। डी होगा, ऑल द अबव। क्यों होगा डी ऑल द अबव, यहाँ पे एक रीजन है, समझिएगा। बोलता है कि जो परफेक्ट कंपटीशन होता है, इसका मतलब क्या, परफेक्ट कंपटीशन कहाँ हो सकता है, जहाँ प्रोडक्ट होमोजेनस होगी, हर एक फर्म जो होगा इंडस्ट्री में, उसको क्या किया जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है, कहाँ पे, मार्केट प्राइस पे, क्योंकि उसको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। यहाँ पे जो फर्म हो रहा है उसको कौन एक्सेप्ट कर, इंडस्ट्री लेवल पर एक्सेप्ट हो रही है, और ये मार्केट प्राइस पे एक्सेप्ट होगा। अब प्राइस जो होगा फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड कौन कर रहा है, फर्म नहीं फिक्स कर रही है प्राइस को, जो फिक्स कौन कर रहा है, फर्म नहीं कर रही है, तो यहाँ ये भी समझना, प्राइस जो है फिक्स्ड फर्म के द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, ये सारी ऑप्शंस हो जाएंगी सही, इसलिए यानी ये भी ऑप्शन सही था, ये भी ऑप्शन सही है, और ये भी ऑप्शन सही है, इसलिए हम लोग डी मार्क करेंगे, ऑल द अबव। क्वेश्चन 3, कंज्यूमर सरप्लस इज हाईएस्ट इन केस ऑफ। कंज्यूमर सरप्लस हाईएस्ट किस केस में होगा, ए ऑप्शन है लग्जरीज, बी ऑप्शन नेसेसिटीज, सी ऑप्शन है कम्फर्ट्स, डी ऑप्शन है कन्वेंशनल नेसेसिटीज। भाई नेचुरल सी बात है, इसको आप समझते होंगे, कंज्यूमर सरप्लस यानी जरूरत से ज़्यादा कंज्यूमर उस चीज़ को रखेगा अपने पास, तो कहाँ आपको महसूस होगा। देखो लग्जरी में तो नहीं हो सकता है, कंफर्ट्स में भी नहीं होगा, और कन्वेंशनल नेसेसिटीज़ में भी नहीं होगा। नेचुरल से बात है नेसेसिटीज़ में होगा। नेसेसिटीज़ कई प्रकार के हो सकते हैं, आपकी इनकम के हिसाब से नेसेसिटीज़ बनती हैं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ए गिफन गुड्स इज वन इन विच रिस्पॉन्स, ए गिफन गुड इज वन विच इन रिस्पॉन्स टू स्मॉल चेंजेस इन प्राइस। बोलते हैं गिफन गुड्स उसको बोलते हैं जहाँ पे जो चेंजेस होती हैं प्राइस का, वो बहुत ही स्मॉल रिस्पॉन्स होता है उसका प्राइस के हिसाब से। ए ऑप्शन ए जीरो इनकम इफेक्ट इज जस्ट आउटवेट बाई ए पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मतलब जीरो इनकम इफेक्ट होगा जिसको आउटवेट किया जाए पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। बी ऑप्शन है नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज जस्ट आउटवेट बाई ए पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बोलते हैं नेगेटिव इनकम इफेक्ट होगा उसको आउटवेट किया जाए पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। सी ऑप्शन है जीरो इनकम इफेक्ट इज मैच्ड बाई जीरो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बोलते जीरो इनकम इफेक्ट को मैच किया जाता है जीरो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। डी ऑप्शन है नेगेटिव इनकम आउटवेट एनी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बोलते हैं नेगेटिव इनकम इफेक्ट होगा, आउटवेट करेगा किसी भी सब्स्टिट्यूशन के इफेक्ट को। आ रहा है समझ में, अब बताइए इसमें क्या होगा सही ऑप्शन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए बी होगा इसका। समझते हैं, तो गिवन गुड्स जो होता है वो उस रिस्पॉन्स में, अगर जहाँ कहीं पर स्मॉल चेंज करते हैं प्राइस में, तो बोलते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, एक नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। क्या होता है, एक नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है जिसको कि हम लोग आउटवेट करते हैं पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मतलब क्या, नेगेटिव इनकम इफेक्ट होगा जिसको हम लोग आउटवेट करते हैं पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के लिए। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6, डिमांड मीन्स, डिमांड का क्या मतलब होता है। ए ऑप्शन है द डिजायर एंड विलिंगनेस ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। डिमांड का मतलब है द डिजायर एंड विलिंगनेस ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, डिजायर और क्या है, विलिंगनेस है किसका, इंडिविजुअल का, जहाँ सारे गुड्स और सर्विसेज की बात हो रही है जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से। बी ऑप्शन है द डिजायर एंड डिजायर एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ एन इंडिविजुअल टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एट ए गिवन टाइम एंड प्राइस। बोलते हैं डिजायर होता है और जो एबिलिटी होता है
और जो विलिंगनेस होता है किसी भी इंडिविजुअल का कि वो परचेज करे गुड्स और सर्विसेज को किसी भी गिवन टाइम और प्राइस पे, ठीक है, वो हो जाएगा सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस। तो क्या होगा डिमांड आपकी समझ? बहुत सीधा सा क्वेश्चन है और सीधा सा जवाब है इसका। देखिए सही जवाब हो जाएगा बी। डिमांड का मतलब हो गया कि एक तरह का डिजायर है, एक तरह की एबिलिटी है और एक तरह की विलिंगनेस है। क्या है डिमांड? मतलब डिजायर है, एबिलिटी है, विलिंगनेस है किसी भी इंडिविजुअल का, जहाँ पे वो परचेज करेगा गुड्स को सर्विसेज को किसी भी गिवन टाइम पे और गिवन प्राइस पे। यानी सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 है द डिमांड फंक्शन फॉर ए कॉमोडिटी इज डिफाइंड एज। बोलता है जो डिमांड फंक्शन होता है, डिमांड फंक्शन होता है किसी भी कॉमोडिटी का, वो यहाँ पे कैसे डिफाइंड होता है? ए ऑप्शन है क्वांटिटी डिमांडेड एज ए फंक्शन ऑफ द गुड्स ऑन प्राइस, द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट एंड द बायर्स इनकम। बोलते जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड करते जो फंक्शन होता है गुड्स का, उसका अपना प्राइस का, और जो प्राइस होगा सब्स्टिट्यूट का और उसके बायर्स का इनकम का। बी ऑप्शन हो जाएगा प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स एज ए फंक्शन ऑफ द गुड्स ऑन प्राइस। बोलते प्राइस होगी सब्स्टिट्यूट का गुड्स का, उसका अपना खुद के प्राइसेस के ऊपर होता है। सी ऑप्शन है क्वांटिटी डिमांडेड एज ए फंक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ अदर गुड्स। मतलब जो क्वांटिटी डिमांड की जाएगी जो फंक्शन होगा प्राइस का दूसरे गुड्स के लिए। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव, यानी सारे ऑप्शन सही है। तो क्या होगा डिमांड फंक्शन जो कॉमोडिटी की होती है? ए होगा, ठीक है। जो आप बोल रहे हो डिमांड फंक्शन जो होगा किसी भी कॉमोडिटी का, वो किस तरीके से डिफाइंड किया हुआ? इस तरीके से जहाँ पे बोलता है क्वांटिटी डिमांडेड, क्या बात कर रहे हैं? क्वांटिटी डिमांडेड जो होगा जो कि फंक्शन होगा गुड्स का, उसके अपने प्राइस का, और जो प्राइस होगा सब्स्टिट्यूट का और बायर्स इनकम की, इसकी बात कर रहा है। इसलिए सही ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इन द टिपिकल डिमांड शेड्यूल क्वांटिटी डिमांडेड। बोलते हैं टिपिकल डिमांड शेड्यूल होता है, जो टिपिकल डिमांड शेड्यूल होता है उसमें जो क्वांटिटी डिमांडेड हम लोग करते हैं वो क्या होगा? ए ऑप्शन है वेराइज डायरेक्टली विथ प्राइस, यानी प्राइस के साथ डायरेक्टली वेरी करता है। बी ऑप्शन है वेराइज प्रोपोर्शनेटली विथ प्राइस, प्राइसली वेरी करता है। सी ऑप्शन है इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस, यानी प्राइस से कुछ लेना देना नहीं है। डी ऑप्शन है वेराइज इनवर्सली विथ प्राइस, ठीक है, उल्टा प्राइस की मूवमेंट होती है। जो आपका टिपिकल यहाँ पे क्या शब्द है, टिपिकल डिमांड शेड्यूल होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कैसे आपका इफेक्ट करता है? तो सही ऑप्शन है इसमें डी, क्योंकि वो इनवर्सली प्राइस के साथ चेंज करता है, ठीक है, और क्वांटिटी डिमांड कम है, ठीक है। मतलब क्वांटिटी डिमांड कम नहीं, अगर बोल रहा है कि जो डिमांड अगर कम हो जाए तो प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक है। डिमांड कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिमांड कम का मतलब क्या है? सप्लाई कम हो, डिमांड नहीं है, सप्लाई अब कम करे, क्वांटिटी जो डिमांडेड यानी क्वांटिटी जो सप्लाई करो वो कम कर दिए, तो प्राइस बढ़ जाएगी उस केस में, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसलिए वेरीज यूनिवर्सली विथ प्राइस। क्वेश्चन नंबर 9 लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स डेट वेन। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है यहाँ पर? ए ऑप्शन है इनकम राइजेस डिमांड राइजेस, इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा। बी ऑप्शन इनकम प्राइस राइजेस डिमांड राइजेस, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा। सी ऑप्शन है प्राइस फॉल्स डिमांड फॉल्स, प्राइस घटेगा तो डिमांड भी घटेगा। डी ऑप्शन है प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगा। तो क्या होना चाहिए? सही ऑप्शन डी होगा। तो लॉ ऑफ डिमांड जो है स्टेट्स क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है कि प्राइस घटेगा और डिमांड बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 द लॉ ऑफ डिमांड इंडिकेट्स। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या इंडिकेट करता है? ए ऑप्शन है द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड, एक तरह रिलेशनशिप बताता है इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। बी ऑप्शन द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी एंड प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट। बोलते रिलेशनशिप बताता है प्राइस ऑफ कॉमोडिटी और प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट्स के बीच में। सी ऑप्शन हो जाएगा रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ टू कॉमोडिटी, एक तरह का रिलेशनशिप दिखाता है प्राइस जो दो कॉमोडिटी के बीच में होगा। डी ऑप्शन है द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। बोलते एक तरह का रिलेशनशिप दिखाता है जो प्राइस होगी कॉमोडिटी का और जो क्वांटिटी आपने डिमांड किया है। सही है, बताइए इसमें क्या होगा? सही ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्यों? यहाँ पे जब लॉ ऑफ डिमांड की बात करें, डिमांड क्या बोलता है कि एक तरह का रिलेशनशिप दिखाता है, डिमांड है क्या, डिमांड यहाँ पे है क्या, तो डिमांड यहाँ पे एक तरह का रिलेशनशिप दिखा रहा है। किसके बीच में दिखा रहा है? डिमांड प्राइस ऑफ कॉमोडिटी और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में दिखा रहा है, ठीक है। सही ऑप्शन डी है। अच्छा, अब जब सीआईबी का हमारे यहाँ आएंगे तो हमारे यहाँ दो तरह का कोर्सेज होता है सीआईबी में। एक ही पीपीटी कोर्स यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड कोर्स होता है, जैसे जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड है, और दूसरा होता है फेस टू फेस वीडियो कोर्स, जहाँ पे मैं वीडियो बोर्ड पे आता हूँ पढ़ाता हूँ, ऐसा लगेगा जैसे कि आपको क्लासरूम के अंदर बैठ के सुन रहे समझ रहे हैं, जस्ट लाइक क्लासरूम की फील आएगी आपको। बहुत बढ़िया कोर्स है ये, मैं आपको सीधा बोलूँगा कि बेस्ट कोर्स है, आपको यही कोर्स करना चाहिए, और ये किया तो मेरा ये मानना है कि फर्स्ट टाइम में ही आप पास कर जाएंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं,
और सबसे ज़्यादा बढ़िया कोर्स है, सबसे सेलिंग कोर्स है, सबसे पावरफुल कोर्स है, और ये मान के चलिए कि पक्का पास करेंगे इस कोर्स को करने से, इससे मैंने इसको पहले बेस्ट बोल रखा है। दोनों कोर्स को कंपेयर करेंगे, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है। यहाँ पे 6,000 से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, 12,000 से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पे 30 मॉक टेस्ट है, यहाँ पे रिविजन नोट्स है, और यहाँ भी रिविजन नोट्स है। वैलिडिटी की बात करेंगे, दोनों जगह वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है, जब तक पेपर क्लियर नहीं होगा तब तक कोर्स आप कर सकते हैं। पेपर वन ABM, पेपर टू BFM, पेपर थ्री रिटेल बैंकिंग, तीनों का दाम यहाँ 800 रुपये, और तीनों का दाम यहाँ 1500 रुपये। ABM प्लस BFM करेंगे तो दाम है 1500 रुपये, यहाँ पे दाम है 2700 रुपये। कॉम्बो पे करेंगे यानी तीनों पेपर एक साथ करेंगे तो दाम है 2000 रुपये, यहाँ दाम है 3500 रुपये। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए फोन भी कर सकते हैं, फोन नंबर हो जाएगा 4×9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jabcabstudiomaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा cdcinema123@gmail.com। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। ठीक है ना, थैंक यू।